ये आ गए भाई साहब, लाइव आ गए अपन। बाप रे, अबे कितने दिन हो गए यार अपन को बात करे हुए, बताओ हैं? कितने दिन हो गए फाइनली। हाई फाइव। तो शान बिनजोला कह रहे हैं, हे सिंगर ऑफिशियल्स, प्रियांशु सोनी, प्रीत पटेल हैज जॉइंड। तो धीरे धीरे सबका आ रहा है, कौन कौन आ गया। पीयूष अग्रवाल, हेलो भाई, हेलो पीयूष, हेलो प्रीत पटेल, हेलो मोनिका मेहता, हेलो सुरु राणा, इट्स मी आई, कर्णिका शक्तावत, हेलो हाय इति चौधरी, हेलो एबी स्टोन, हाय अनिल 572001, जैसे मोहित गॉड 799991, आयुषी, हाय पीहू झा, अरे वाह निक्की घुई ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो निक्की, अरे हेलो कैमरे के बाहर हेलो बोल रहा हूँ, बताओ ऐसे हेलो। ये वाह यार भाई साहब, फील आ रही है, रुक जाओ पहले तो मैं फील लूंगा, मतलब हो सकता है मैं थोड़ी देर एकदम चुप हो जाऊं, क्योंकि मैं पहले फील लेना चाहता हूँ कि भाई इतने टाइम बाद लाइव जाने की फील कैसी होती है, कैसी होती है जब तुम सब कैसे मैसेजेस पढ़ता हूँ या रिएक्शन आते हैं या साइड में दिल दिल बने हुए आते हैं। अरे कृति सैनी कैसी है कृति, तो अभी मैं फील लूंगा थोड़ी देर, रुको देख ले दो भाई जी भर के, बड़े टाइम हो गया यार लाइव गए हुए, अच्छा लगता है मुझे। वाह टन टन नन नन, चलो इसी बात पे फील लेते लेते मैं तुमको कुछ सुनाता हूँ, ठीक है। मैं स्टैंड नहीं लाया आज, तो सोफे पे ही टिकाना पड़ेगा, टिक जा भाई, रेडी, ओके। आई होप यू ट्यून्ड हो, अब जैसा भी है सुनाता हूँ, है ना, ऐसी इच्छा करेगी गई गाने की। कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। फ्रेम और बेटर करने दो, अब बढ़िया है। तो बात कुछ ऐसी है कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है। बस ऐसी फील आ रही थी गाने की, गा दिया, अब ना क्या फील के मारे लोग हैं यार, क्या करे, फील आती है तो गा देते हैं, फील आती है तो थोड़ी पोएट्री भी सुना देते हैं, तुमको पोएट्री भी सुनाऊंगा, और क्यों सुनाऊंगा उसकी भी एक वजह है। तो एक बार तुम सब लाइव आ ही चुके हो अब तो तुमको बताऊंगा अब धीरे धीरे बातें। और बताओ, चार्मिंग आरू कह रही कपकेक, यस कपकेक ये अपना सॉन्ग है अपना। और अनुआर्या कह रही है सॉन्ग, मिस के हाय, हाय मिस के, हाय कृतिका, निव्य राठा, मोहित काफिराना प्लीज। यार ये कौन सा गाना है मुझे पता नहीं है, अगर पता होता तो पक्का गाता। आई एम असद खान, हेलो कृति सैनी कह रही है, अरे यार वाह यार। रोहन आरबी, अंकिता दर्श कह रहे हैं फिर मुझे, यार उसकी कॉर्ड्स ना मुझे आती नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत गाना है, अपने कुणाल भैया ने बनाया है, रैपर या बालम भैया ने बनाया है और अपन ने गाया है। कि फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। सिद्धार्थ कह रहे वहीं, वाह ये भी अपना ही गाना है। तो मोर के सारे पंख खुले, वैसा ही मैं जागा जागा सा। और ये मैंने ना क्या गिटार पे बनाया नहीं, तो मेरे को उसकी कॉर्ड्स नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही इसको हवा में बनाया था,
कई सारे गाने में जब भी गाने बनाता हूँ ना मैं, या तो मैं हवा में बनाता हूँ मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के, या फिर उनको इंस्ट्रूमेंट भी बनाता हूँ, ज्यादातर हवा में ही बनाते हैं अपन गाने। तो पेच लड़ाते पतंग कोई कटके फिरता, मैं जाता जाता सा, अब यहां मन लगता नहीं है, अब बस यहां मन लगता नहीं। हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही। बनाया था किसी के लिए यार ये गाना। वाह, तेजू सूरा कह रहे हैं भाई एक बार फिर मुझे दिल से पुकार तू। एक बार नहीं भाई, ये दो बार हो जाएगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी तुम्हारा भाई गा चुका है फिर मुझे दिल से पुकार तू। और अब थोड़ी देर मैं रेस्ट दूंगा अपने गिटार जी को और अपन करेंगे बातें शातें, कि बहुत दिन हो गए बातें बातें करे हुए यार। वाह कितना अच्छा लग रहा है मुझे, पता है ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद बिछड़े हुए दोस्तों से जैसे बातें करते हैं ना, उस तरह की फीलिंग आ रही है मुझे। वेरी वेरी नाइस नाइस। और ऐसा सेम टू सेम हुआ था अभी कब, आज सुबह, क्योंकि मेरा दोस्त है बेस्ट फ्रेंड है निखिल खंडेलवाल, उसका बर्थडे था और वो अभी गया हुआ है यूएस अपनी जॉब के लिए। और निखिल अपना एकदम मतलब जिगरी आ रहा है, तो आज उससे भी बात करी बहुत टाइम बाद, तो मस्त मजा आया यार। ऐसे ही लग रहा था मतलब जैसा अभी लग रहा है ना कि बहुत पुराने दोस्तों से बात कर रहे हैं, सेम वैसी सी फीलिंग थी। तो और बताओ अब तुम सब कैसे हो, कैसा कैसन बा। अरे अपना है ना पुरी में शो है, पुरी जानते हो, पुरी ओडिशा में। तो पुरी में अपना शो है 8th of December को। अभी हैदराबाद में अपना शो था, पुरी में अपना शो है, और 8th of December परसों ही तो है ना। हाँ तो कल और कल के बाद पुरी ओडिशा में अपन परफॉर्म करेंगे मस्त। हिमांशी राय कह रही है बीएड बहुत मस्त लग रही है, थैंक यू यार, आ जाती है बता, मैं तो बोलता हूँ रोजाना मता है, आदत बुरी है। अक्कू कह रहे हैं बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स, थैंक यू यार, थैंक यू भाई प्यार के लिए। अरे भाई नहीं सॉरी, थैंक यू अक्कू। अनुष्का तंबोली हेलो, यशवी पटेल मुंबई में कब है, मुंबई में अभी तो नहीं है लेकिन जब भी होगा अपन बताएंगे। और एक और बहुत शानदार सी बात पता है क्या है, तो पुरी में अपना शो है और अपना एक सॉन्ग आने वाला है जल्दी, वो सॉन्ग लेकिन इस बार ओरिजिनल नहीं है, एक ऐसा सॉन्ग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, थोड़ा पुराना गाना है एक, और उसमें मैंने कुछ पोएट्री लिखी है खुद से, और बहुत ही मेरे सबसे फेवरेट गानों में से एक है। और वो गाना हम शूट कर चुके हैं, ऐसी बैठ के एक दिन ऐसी शूट कर लिया और रिकॉर्ड भी हो गया था, तो आ रहा है वो गाना। उस गाने के बारे में जल्दी बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले उसकी पोएट्री सुनोगे, गाना तो देखो सीक्रेट मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, और एक जो चीज़ बिल्कुल सीक्रेट नहीं रख सकते अपन वो है अपना किचन। और यहाँ पे मस्त मेरा भाई अभी कुछ बना रहा है, वैसे तो दिन में दीदी बनाकर गई थी खाना, लेकिन रोहन की इच्छा है कि आज वो डिनर में कुछ प्रिपेयर करें, और मेरा भाई बहुत ही शानदार कुक है, बहुत ही शानदार, मुझसे तो मतलब 100 times ज़्यादा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ आती है उसको 100 चीज़ें आती हैं। अपन बना सकते हैं मैगी और वो बना लेता है मतलब पूरा मेन्यू रेस्टोरेंट का। तो भुवनेश्वर में कब है, भुवनेश्वर में नहीं यार अपना पुरी में है जो भुवनेश्वर के एकदम पास में है, तो हम कल परसों भुवनेश्वर जाएंगे और भुवनेश्वर के बाद में अपन जाएंगे पुरी, ऐसा। भाई देखते देखते सॉन्ग आपकी आवाज में, रज के रुलाया रज के हंसाया। अरे यार नहीं यार, ये आता नहीं है मेरे को अच्छे से, नहीं तो मैं गाता पक्का से। वाह, इट्स मी विहान, पोएट्री सुनाओ ना भाई। चलो अब तुमको पोएट्री सुनाता हूँ, ठीक है। तो कैसी है कि ऐसा लिखा था अपन ने कुछ कि कई सारे लोगों को शायद याद होगा, वो गेस कर लेंगे ये गाना कौन सा है। यश कैलवा कह रहे हैं भाई कोटा वाले दोस्त, कैसे हो यश भाई, क्यूट गर्ल की तरफ से बहुत प्यारा सा इमोजी आया है। पीहू झा सर प्लीज एक बार घर से निकलते ही,
घर से निकलते कुछ दूर चलते रस्ते में उसका घर। अभी 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 अरे मेरे को किसी हैदराबाद से किसी दोस्त ने हाय कहा है, हाय शिवानी रेड्डी, अभी हैदराबाद में अपना शो था ही। और तो अब मैं तुम सबको सुनाता हूँ वो पोएट्री जो अपने आने वाले सॉन्ग के लिए मैंने लिखी थी, और तुम गेस करना है कौन सा सॉन्ग है। जिन्होंने शायद पहले भी पोएट्री सुन रखी हुई उनको पता होगा। तो कुछ ऐसा लिखा था कि समझते थे समझदार जिसे हम दिल ये नादान कर बैठे, सब जानकर भी हम उन्हें अपना सब मान बैठे, वो मासूम से बस मुस्कुराते थे देखकर, हम ये मन बेईमान कर बैठे कि खुदा से खुद खुदा ही मांग लिया हो, न जाने ये कैसा अरमान कर बैठे, और ये सब कभी उन्हें कह के गा नहीं पाए तो क्या गा के कह दिया। तो ये वो पोएट्री है जो अपन ने लिखी थी इस गाने के लिए, और ये जल्दी आने वाला है पूरा पोएट्री और सॉन्ग। इसका नाम क्या है बताऊंगा थोड़े दिनों में बताऊंगा, और ये गाना जल्दी आने वाला, शायद मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते में आ जाएगा, एक दो हफ्ते में। ज़्यादा वेट नहीं करना है, 7-8 दिन बस बस बस, क्या अगले ही वीक। तो कैसी लगी पोएट्री बताओ मुझे। निशा मिश्रा कह रही है हेलो, सुनील जांगीड़ कह रहे हैं है। पर पहले बताओ सर पोइट्री कैसी लगी। क्यूटी पाई स्नेहा कह रही है यार सर इट्स ऑसम, थैंक यू स्नेहा। और विशाल वर्मा कह रहे हैं हेलो भाई हेलो। जूलियन एंथनी कह रहे हैं ऑसम, थैंक यू जूलियन, आई एम ग्लैड आपको पोइट्री पसंद आई, वाह। और एक और सुनाऊं क्या, ऐसी फील आ गई मुझे, ये अभी तक रिलीज नहीं हुई पोएट्री, ना किसी गाने पे आई है अभी तक, अपन ने लिखी थी और ये मैंने कभी सुनाई नहीं अभी तक, तो ऐसी सुनाता हूँ। तो फील आ गई, देखो तुमने इतनी प्यार से सुना ना इसलिए। तो ये पोएट्री भी अपने दिल के बहुत करीब है, और ये मैंने लिखी थी, किस वजह से लिखी थी बताऊंगा कभी, लेकिन ऐसी सुनाने की इच्छा कर गई। तो लिखा था कुछ की भूल गया रुक जाओ यार, कंफ्यूज हो गया मैं, दो पोएट्रीज में कौन सी सुनाऊं, वो वाली या वो वाली, वो वाली सुनाऊं या वो वाली सुनाऊं, बताओ चूज करो, वो वाली या वो वाली। सुनाता हूं पहले कि इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है। इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है। गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, सोचा जो भी कहूंगा मीठा लगेगा उसे। गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, सोचा जो भी कहूंगा मीठा लगेगा उसे, क्या पता बह के आके चख लेगी इन्हें, क्या पता बह के आके चख लेगी इन्हें, और दो तरफा मेरा इकरार हो जाए। इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है। तो ये लिखी थी कि इश्क हुआ है कल परसों की बात है, कैसा लगा ये, मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है। इसकी स्टोरी सुनाऊं, पहले बताओ कैसी लगी पोएम, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो इसकी स्टोरी सुनाऊंगा, नहीं तो भाई चले पका रहा हूं तुम सबको, पकाना तो नहीं, देखो यार मेरी इच्छा थी इसलिए मैं सुना देता हूँ, मेरे को फिर फर्क नहीं पड़ता सामने वाले कितने बोर हो रहे हो या उनको कैसा भी लग रहा हूँ, मेरे को बस फील आती तो मैं कर देता हूँ ऐसा। समहोलना कह रही है दिल दिल का उन्होंने वो भेजा है, सपन कुमार ने कहा यो, जानवी कह रहे हैं वाओ, अंकित कह रहे हैं और वो वाली और वो वाली
वो वाली अभी नहीं सुनाऊंगा ब्रो, उसका भी टाइम आएगा। पर ये बताओ कैसी लगी? यमन तुमर कह रहे हैं बहुत जोर। प्रीति कुमारी कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छी लगी। एंजल पटेल कह रहे हैं आपकी वॉइस बहुत बहुत अच्छी है, थैंक यू यार। जादे अट्रुल कह रहे हैं हाय भाई हाय। और वत्सल्य वेद कह रहे हैं भाई कतई जहर, वाह वाह। एन एस शर्मा कह रही है अच्छा लगा। चित्रांश सीजे कह रहे वाह 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 क्या बात है। मोहित गौर फॉरएवर कह रहे गड़बड़ है कुछ। अरे नहीं गड़बड़ है नहीं, गड़बड़ थी। ये पुरानी पोएम है, करीबन एक साल हो गया इस पोएम को, शायद नहीं 7-8 महीने हो गए होंगे। तो बात कुछ ऐसी थी, तुमको पसंद आ गई ये पोएम तो उसकी स्टोरी भी सुना के रहूंगा मैं, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तो बात कुछ ऐसी थी कि इश्क हुआ था और एक दो दिन पहले ही हुआ था, ऐसा लगा कि मिले और हो गया। तो अपन को क्या ऐसे क्रश होते रहते हैं लाइफ में, तो लगा होगा मेरे दोस्तों को ये जानकर कि यार इसको तो क्रश होते रहते हैं। तो इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है। तो मेरे दोस्त लोग अगर किसी को बताऊंगा कि यार मेरे को वापस से किसी पे क्रश हुआ है, तो ये कहेंगे वापस से हुआ है साले को, ये तो होता रहता है, रेगुलर चीज है इसकी, तो ये वापस से हो जाएगा। पर मुझे लगा कि नहीं यार शायद आखिरी बार है। और गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, सोचा जो भी कहूंगा मीठा लगेगा उसे। ऐसी मतलब बड़े प्यार से बात करता था, एकदम शायराना अंदाज में या कह लो पोएटिक वे में, क्योंकि मुझे पसंद है। अगर कोई पसंद आ जाता है ना तो मैं उससे थोड़ा और वैसे थोड़ा ऐसे गंवार देहातियों की तरह बात नहीं करता हूं मैं, जैसे अभी कर रहा हूं। ये तो अपने क्या दोस्तों में बोलचाल चलता है, और वैसे मैं पसंद करता हूं थोड़ा सा रोमांटिक वे में। तो ऐसी उससे बात करी थी, और होप तो ये था कि कुछ हो जाए, पर नहीं बनी बात। कोई ना, होता यार, इश्क है ऐसी मामूली सी चीज नहीं है। वाह यार बताओ, मैं तो शायर हो गया, गजब भाई, मजा आता है। देखो ये अपनी अपनी फील होती है, मैं तो बहुत टाइम से शायरी और पोएट्री करता, तब भी जब इश्क में नहीं था, तब भी जब इश्क में था, तब भी जब बचपन से है अपन पोएट। तुमको पता है क्या, मेरी मम्मी से पूछना कभी बचपन में, मम्मी है ना मेरे को एक पोएट्री सिखाती थी, खरगोश बाग में रहता है, गाजर मूली खाता है, केला उसको नहीं भाता है। तो मैं उसको कहता था, तो मैंने इसमें ऐड करी थी लाइन जब मैं 3 साल का था, खरगोश बाग में रहता है, गाजर मूली खाता है, केला उसको नहीं भाता है, तो दूध पी ले, क्योंकि अपन को क्या मतलब बचपन से पसंद था भाई। तो बचपन से अपन ना क्या पोएट किस्म के इंसान रहे हैं, कह सकते हैं ऐसा। वाह यार क्या बकर चौधरी पेल रहा हूँ मैं, पर मजा आता है भाई बकर करने में। रॉयल बॉय गोलू कह रहे कुछ तो बोलिए, अरे मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ मेरी जान। गौरव दतीज कह रहे हैं हेलो ब्रदर हेलो। विशाल कह रहे हैं बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, सदराते बुहेवन तेरे लिए खोले, होनी ना तू कदी हुन अखियां तू ओले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डूबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू ततरी च तोल ना वे, प्यार मेरा तू ततरी च तोल ना, एक दिल से रिया मेरे कोल ना, लुटी गईया वे मैं लुटी गईया, लाइया लाइया। ऐसी यार फील आ गई मेरे को गाने की। अच्छा चलो अब अपना जाने का टाइम है, अब भाई मस्त अभी डिनर बना रहा है तो खाने का टाइम है। वाह क्या राइम, बनाने का टाइम है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यार, और थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। और बस अभी वापस से मिलते हैं। और चार्मिंग आरू करें एक शायरी प्लीज, आई एम शायरी लवर। यार शायरी तो मतलब शायरी पता नहीं, मैं तो बस लिख देता हूँ यार, पोएम कहते हैं उसको, शायरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ तो भी कहते हैं, बस वो राइम कर जाती है और मुझे अच्छी लगती है बोलने में, इसलिए बोल देता हूँ बना देता हूँ। तो जाते जाते ऐसी कि अरे वहीं की पोएट्री सुनाता हूँ ना तुम सबको, कि क्या था कि खुशियों की दोपहर में न जाने कैसा गम था, सब ज्यादा ही तो था
बस वही कम था, कमी उसकी पल पल खल रही थी, बेताबी वजह से मिलने बड़ा मचल रही थी। फिर खुली आंखों में ख्वाब बन के वो गई दिखा के, दिल ले जा रही हूँ, दिल ले जा रही हूँ लिखा के। फिर क्या उसने लिखाया, उसने वही जो सॉन्ग था मेरा वो लिखवाया, और वो आपको सुनना है तो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, तो सुन लो। और यूट्यूब पे जल्दी आने वाला है अपना नया एक सॉन्ग, जिसको मैंने अपने अंदाज में कुछ गाया है, पोएट्री लिखी है उसके लिए, मेरे बहुत फेवरेट सॉन्ग में से एक है। तो जल्दी मिलते हैं फिर से, एंड थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, आई लव यू ऑल, और फिर से मिलते हैं, बाय, टेक केयर। डिनर विनर कर लो, मैं भी जा रहा हूँ डिनर करने, बाय।